तीन लोगों की हत्या हुई थी, त्रिलोकनाथ, लालनाथ और रूपाराम की। टोटल 24 मुलजिम थे जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया। ये डूंगरगढ़ के तहसील का रेड़ी गांव का मामला है। इस गांव में तीन लोगों की हत्या हुई थी, त्रिलोकनाथ, लालनाथ और रूपाराम की। टोटल 24 मुलजिम थे जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया, जिनका विचारण अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 3 में चला। माननीय न्यायालय द्वारा 20 तारीख को इसका फैसला किया गया। इस केस में कुल अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान हुए तथा कुल 150 जो दस्तावेज थे वो प्रदर्शित किए गए थे। इस मान्य कोर्ट द्वारा कुल 19 लोगों को इसमें सजा दी गई है, जिसमें 4 महिला थी, बाकी पुरुष थे। पीड़ित पक्षकार को काफ़ी न्याय से उम्मीद थी और उन्होंने 2009 के मामले का इंतजार करते पीड़ित पक्षों को जो न्याय मिला है, मान्यता वाला न्याय दिया गया है। और ये जो दोहराते थे एक ऐतिहासिक मामला था और काफ़ी चर्चित मामला रहा है। आपका नाम है? मैं बीकानेर के लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक संख्या 3 बीकानेर का लोक अभियोजक हूँ और इसी न्यायालय द्वारा मेरे द्वारा पैरवी की गई इस कोर्ट में। अदालत में यह मामला जो डूंगरगढ़ का था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ मामला जो है बीकानेर में अंतरित कर दिया गया और लंबे अरसे ट्रायल चलने से मुलजिमान को उच्च न्यायालय से जो जमानत मिली, लेकिन यहाँ करीब 3 महीने बहस चली, उसमें टाइम कभी 5 दिन बाद की कभी 2 दिन बाद में लगातार जज साहब ने इस मामले को त्वरित गति से चलाने का प्रयास किया और श्री महावीर जी मावर ने लगातार 3 महीने से इनमें आर्ग्यूमेंट सुनने के पश्चात 15 आरोपी जो मेल थे उनको और 4 फीमेल जो अपराध में जिनकी संलिप्तता पाई गई उनको दोषी कर दिया और इस मामले में सजा के प्रश्न पर सुना गया। परिवादी पक्ष की ओर से हमने उसमें फांसी की मांग की थी, लेकिन जज साहब द्वारा अपने निर्णय में इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला जो है अधिक व्यक्तियों का जुड़ाव होने की वजह से न मान करके उन्होंने आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत का यह फैसला आम जन में जहाँ ब्रॉड डे लाइट मर्डर होते हैं और लोग जो है न्याय की गुहार करते हैं, इतने पीड़ित पक्ष जो है भयभीत हो जाते हैं, इसके बावजूद भी मृतक के जो गवाह और अन्य जो रिश्तेदार थे उन्होंने यहाँ न्यायालय में डटकर इस प्रकरण में सुनवाई में सहयोग किया, हमने भी अपनी तरफ से सहयोग किया, राज्य सरकार ने भी इसमें अपना सहयोग किया। इस वजह से अदालत ने भी अपना जो है निर्णय समय पर पारित पहली पेशी में ही कर दिया। इन सारी चीजों को देखते हुए न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ा है कि हमें से देर भले ही हो लेकिन न्याय मिला है।